ये देख लो गाइस, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है आज के दिन। ऊपर LED लगी हुई है, देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है अंदर में। ये अंदर का नज़ारा है और ये बैक वाला गेट है भाई। ये देखो भोले बाबा जी विराजमान है ऊपर, ये देख लो। तो गाइस फाइनली अंदर से मंदिर के अंदर से दर्शन करके आ चुके हैं। अब आपको बाहर का नज़ारा दिखाएंगे, कहाँ पे भंडारे चले हुए हैं तकड़े तकड़े। चलिए फिर चलते हैं। हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप ठीक ठाक होंगे। और सुबह हो चुकी है, मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी। जैसे कि आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा कि अब हम जा रहे हैं अन्ना मंदिर। आज आपको अन्ना मंदिर का व्लॉग दिखाएंगे। तो जो जो साथी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो ने लाइक कर लो, कमेंट करके बताओ कैसी बन रही है वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये हो गए जूते, हम जूते डाल लिए हैं। अब देख लेते हैं अपना ज्ञान निकला या नहीं निकला। देखो ये रहे अपना ज्ञान। तो फिर हम भी दरवाजा बंद करके निकल लेते हैं। चलिए फिर चलते हैं गाइस। जब हम पहुंच चुके हैं अन्ना मंदिर में, अब हमने यहाँ पे बाइक खड़ी की है साइड में और उसके बाद हम जूते निकालने के लिए जाएंगे। देख रहे हैं कहाँ पे हैं, ये हमारे लेफ्ट साइड में ही है, थोड़ी राइट साइड में। चलिए फिर चलते हैं। ये BLC क्रॉस करके जा रहे हैं और ये देखो बिल्कुल सामने ही है। यहाँ पे जूते निकाल लेंगे और हेलमेट वगैरह रखेंगे, फिर चलेंगे अंदर। गाइस फाइनली अब हम अन्ना मंदिर में पहुंच चुके हैं। आज आपको अन्ना मंदिर का नज़ारा दिखाएंगे, तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए चलते हैं। अब हमने जूते निकाल दिए दूसरी साइड में और अब देखते हैं लाइन में लगना है और उससे पहले लेना है प्रसाद अंदर जाने के लिए। देखो ये रे भोले बाबा जी की मूर्ति कितनी बढ़िया है, पेंट हो रहा है भाई, देखो ज़बरदस्त है। देखो अभी दिखाता हूँ, यहाँ से प्रसाद लेना पड़ेगा पहले, फिर चलेंगे अंदर की तरफ। ये प्रसाद है भाई भोलेनाथ का। ये देखो भाई, जब हमने प्रसाद ले लिया है अब लगेंगे लाइन से। यहाँ पे लाइन देखते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है अंदर की तरफ। ये मेन गेट था भाई, ये मतलब जिस दिन त्रयोदशी होती है उसी दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। चल दिए हम। ये देखो लाइन कितनी लगी हुई है, ये देखो कितनी लंबी लंबी लाइन। फाइनली लाइन में भीड़ देख लो कितनी ज़्यादा है सुबह सुबह। ये देख लो, ये थोड़ा सा अंदर का नज़ारा है, मेन गेट है जहाँ पे लाइन क्रॉस करने के बाद। और गाइस जब अंदर जाना है, ये देखो कितनी बड़ी दो लाइनें लगी हुई है, आगे जाके दो लाइनें हो जाती है। चल अब अंदर की तरफ। ये देखो गाइस, ये है संगमेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास, ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये ऊपर ग्रीन पर्दा लगाया हुआ है शाम के लिए, और साइड में ये पानी की लूटियाँ दे रहे हैं जो कि भोले बाबा के ऊपर चढ़ाते हैं। देखो दोनों साइड दे रहे हैं, उस साइड भी सेवादार लगे हुए हैं और इस साइड भी। और ये मंदिर का भव्य नज़ारा, ये देखो ये ले ली मैंने भी एक लूटिया। चलिए फिर आगे की तरफ चलते हैं। इस मंदिर में एक खास बात यह है कि पानी लाने की जरूरत नहीं होती, काफ़ी मतलब साइड में ही सेवादार खड़े होते हैं, मंदिर के अंदर से ही मिल जाता है भाई जल आपको। और ये देख लो ये घंटा है भाई, दोनों साइड लगे हुए हैं, ऊपर LED लगी हुई है। ये देखो ये नंदी महाराज और कछुआ जी, और इसके बाद अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। ऊपर LED लगी हुई है, टाइम भी लगा हुआ है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है वाले दिन। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है अंदर, और जल्दी जल्दी सेवादान उतार रहे हैं भाई। देखो भाई अब बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, मंदिर के अंदर का ही है ये शनिदेव का मंदिर है यहाँ पे, देख लो। और यहाँ पे खास बात भी है भाई, जो यहाँ पे तागे बांध के जाता है ये देखो, तो उसकी मन्नतें पूरी होती है यहाँ पे। देखो कितने ज़्यादा तागे बंधे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सामने महादेव विराजमान है। जय भोले।
गाइस यहाँ पे हम जो जाता है, देखो हम कुंड बना रखा है। और ये अंदर का नज़ारा है पूरे पूरे मंदिर के अंदर का, तो देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बढ़िया मूर्ति बनाई हुई है। ये पूरे अंदर का नज़ारा है। और यहाँ पे पत्थर काटते हैं, उसको अपना चादर लगा देना। वहाँ पे वो कमरा है ना, वहाँ पे भंडारा वो चलता है सुबह 11:30 बजे शुरू होता है वो भंडारा। और यहाँ पे वैसे भी मतलब जो सुबह शुरू हो गया, ये बाहर का गेट है जो मतलब जल्दी शुरू हो जाते हैं। आसपास में 5-6 मंदिर हैं यहाँ पर, मतलब धर्मशाला है जहाँ पे जो सुबह भंडारे शुरू हो जाते हैं। एक बिल्कुल सामने गेट के सामने मिल जाएगी और बराबर में मिल जाएगी। तो गाइस फाइनली अंदर से मंदिर के अंदर से दर्शन करके आ चुके हैं। अब आपको बाहर का नज़ारा दिखाएंगे, कहाँ पे भंडारे चले हुए हैं तकड़े तकड़े। चलिए फिर चलते हैं। तो दूसरी साइड से आए थे गाइस, ये देख लो यहाँ पे ये कुंड है, ये बोल रहे आप बैठे हैं यहाँ पे। महादेव धाम यहाँ से भी आ जाते हैं। और ये बाहर का गेट है भाई, ये देख लो। और अब इसके अंदर जाएंगे, भोले बाबा जी विराजमान है। अब इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे प्रसाद मिलता है भाई, ये देख लो भाई। और देख लो गाइस यहाँ पे भंडारा चला हुआ है, कितनी भीड़ है भंडारे में। देखो कुछ बंदे बैठ के खा रहे हैं ऊपर। और गाइस जब हम चल दिए हैं, इस व्लॉग में इतना ही। जो जो साथ चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब जा रहे हैं हम बाइक पार्किंग में, जहाँ पे पार्किंग की थी। हेलमेट ले लिया और जूते पहन लिए हैं भाई। जब हम आ चुके हैं तो अब बाइक पे चलेंगे, बाइक अपनी है रेडी, तो चलिए चलते हैं।